नमस्कार, मैं अनुराग। आप देख रहे हैं विभाग बात। आज मध्य प्रदेश सरकार के सहकारिता और लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर अरविंद भदौरिया जी हमारे साथ हैं। अरविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आपको। अरविंद जी अपनी साफगोई के लिए जाने जाते हैं और बहुत साफ साफ बातचीत करने के आदि हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आपने राजनीति की शुरुआत की और फिर भारतीय जनता पार्टी और आप मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। जब आप ग्वालियर चंबल अंचल से शुरुआत कर रहे थे अपने जीवन की, सामाजिक जीवन की, कभी सोचा था कि मंत्री बनूंगा मैं? एक्चुअली मैं तो संघ का स्वयंसेवक हूँ। बचपन में शाखा जाया करता था, बाद में विद्यार्थी परिषद के काम में लगातार लंबे समय होल टाइमर रहा हूँ, 14 साल लगभग। तो मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मैं मध्य प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मंत्री बनूंगा जाके। तो मैं तो विचार का वाहक था, मेरी कल्पना के भी परे नहीं था, कि मैं ऐसा हो सकता मेरे साथ में। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो हमारा विचार का संगठन है, वो लगातार लोगों की चिंता करते करते तो जनता जनार्दन की कृपा, भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ की माँ स्वरूपा जो हमारी पार्टी है, उसका प्रेम, उनका निर्देश, उनका आदेश और सतत जो सेवा करते करते यहाँ तक आया हूँ। तो मैंने पहले कभी नहीं सोचा था कि मैं मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बन सकता हूँ। अच्छा, कभी ऐसी इच्छा रही कि चुनाव लड़ूं या विधायक बनूं मंत्री के पहले, ऐसा भी कभी कुछ? कभी मन में था ही नहीं। संगठन में काम करने की रुचि थी, तो मैं 14 साल होल टाइम था, मैं प्रदेश संगठन मंत्री रहा, प्रदेश मंत्री रहा विद्यार्थी परिषद का, तो मैं 7 बार प्रदेश का मंत्री रहा, महामंत्री पार्टी का रहा, पार्टी का उपाध्यक्ष रहा, ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी रहा, मैं किसान मोर्चा का 2 बार जब देश में एक थे, ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट था जब धर्मेंद्र प्रधान साहब अध्यक्ष थे युवा मोर्चा। ऐसे संगठन ही सर्वोपरि मान के लगातार मैं संगठन में ही काम करता रहा। चुनाव लड़ने की ना कभी कल्पना थी। पार्टी ने निर्देश किया, आदेश किया, नेताओं ने मुझे कहा कि जाके तुमको चुनाव लड़ना जाके 2008 में अटेर में। तो चुनाव लड़ने गया, जनता जनार्दन की कृपा से और कार्यकर्ताओं की कृपा से चुनाव जीत के भी आया। अरविंद जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में थे, तो 30 साल का अरविंद जी से लेना देना हमारा है। अरविंद जी लोगों चुनाव लड़ाते थे कॉलेज के जमाने में, स्कूल के ज़माने में मैंने देखा कि आप लोगों को चुनाव लड़ाते थे। कभी ये भाव नहीं आता था कि खुद भी लड़के देखा जाए? नहीं, स्टूडेंट लीडर तो मैं था, चुनाव लड़ाया करता था मैं कुछ, एक्चुअली छात्र संघ का मैं खुद चुनाव भी लड़ता था। लेकिन संगठन में मैं लगातार लोगों के ऐसे कई चुनाव लड़ाने के मेरे को उत्तरदायित्व मिले हैं, जो जिम्मेदारियाँ मिली उनको निभाया भी। कई प्रेस्टिजियस चुनाव की भी जिम्मेदारियाँ हमको संगठन ने दी, हमारे नेताओं ने दी, वो प्रेस्टिजियस सब चुनाव जीत के भी आए 99%, ऐसा कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास से और जनता की कृपा से और नेताओं की नीतियों का कारण हुआ। तो चुनाव लड़ाते लड़ाते संगठन ने आदेश कर दिया चुनाव लड़ना, तो लड़ने के लिए चले गए। अरविंद जी को संगठन ने आदेश किया, चुनाव लड़े, 2 बार विधायक बने, अब मंत्री हैं। अरविंद जी, एक बड़ा विचित्र दौर बीच में आया जब कांग्रेस की सरकार बनी 2018 में। उम्मीद नहीं थी ऐसी बीजेपी को कि मात्र कुछ सीटों से पीछे रह जाएंगे, क्या कारण रहे उस समय, कुछ आकलन किया? एक्चुअली जनता के जो टोटल वोट आए, अगर टोटल वोट की गिनती करेंगे तो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी को 2018 में 50,000 वोट ज़्यादा आए, लेकिन संख्या बल में, आंकड़ों में हम थोड़ा पीछे रह गए, सीटों में पीछे रह गए। तो जनता की जन भावनाएं तो थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आना चाहिए। एक्चुअली कई विषय ऐसे हुए, कांग्रेस ने झूठे कई वादे कर दिए। किसानों के कर्जा माफी का विषय किया, उन्होंने कहा हर युवा बेरोजगार को हम 4,000 रुपये उनके खाते में डालेंगे, हर महीने पेंशन देंगे उनको, बेरोजगारी भत्ता देंगे उनको। ऐसे कई प्रकार के झूठे वादों के कारण मध्य प्रदेश की जनता में उनने बहलाने फुसलाने का काम किया है। तो युवाओं को भी लगा कि हर महीने 4,000 रुपये मिलेंगे, कुछ को लगा हम पेट्रोल डलवा लेंगे, कुछ को लगा हम मोबाइल में रिचार्ज करवा लेंगे। तो ये कमलनाथ जी की झूठी सरकार जो उस समय बनी, तो ये झूठ के एक पुलंदे पे बनकर आई, तो ये स्वाभाविक या नेचुरल प्रक्रिया की सरकार नहीं थी। आपने कहा कमलनाथ जी ने जो वादे किए थे, बाद में जब सरकार बनी तो उन्होंने कहा कि हम कुछ डिफरेंट टाइप की ट्रेनिंग देंगे, बाजा बजाने की ट्रेनिंग देंगे, ढोल चलाने की ट्रेनिंग देंगे। एक्चुअली जो है ना, मजाक का विषय बना दिया था कि हम युवाओं को ढोल चलाने की ट्रेनिंग देने वाले। अब कमलनाथ जी का कभी अंदाज नहीं आया, ना ढोल से आया, ना किसान से आया, ना युवाओं से आया, ना बेरोजगारों से आया। तो उनको लगा कि ढोल चलाने के लिए रोजगार मिले, उनको ये मालूम नहीं कि गांव में ऑलरेडी जो कृषि है हमारी व्यवस्था है, तो कृषि जो है ना अकेला नहीं है, कृषि के साथ हमारा पशु धन है, बाकी भी सब व्यवस्थाओं के साथ हम लोग बागवानी के साथ से लेकर खड़े होते हैं। तो इसलिए मजाक का विषय मध्य प्रदेश के युवाओं को बना दिया, तो युवाओं को लगा कि हम ठगे गए हैं,
चले गए हैं, किसानों को भी लगा हम चले गए हैं। अब टोटल अगर कर्जे माफ़ करते तो कम से कम मुझे लगता है कि 40 से 45 हज़ार करोड़ 50 हज़ार करोड़ रुपये बजट में डालना चाहिए था, आपने बजट में डाली नहीं है। इसके कारण क्या, हमारी सहकारिता विभाग की बैंकें, हमारी जो नीचे पैक्स सोसाइटियाँ थी 4,500 पैक्स सोसाइटियाँ हमारे पास है, तो 4,500 पैक्स सोसाइटियों को बर्बाद करने का किसी ने कोई काम किया तो उस समय के मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी ने किया है, क्योंकि आपने कर्जा माफी की घोषणा किया। एक्चुअली सरकार से बैंकिंग व्यवस्था में आपको पैसे देना चाहिए था बजट से। सरकार कौन चला रहा था, कमलनाथ चला रहे थे, दिग्विजय सिंह चला रहे? मुझे लगता है कि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह दोनों मिलकर चला रहे थे, सामने फेस कमलनाथ जी का था, मुख और मुखौटा, तो ऐसे करके बैकिंग में दिग्विजय सिंह जी से लेके, एक्चुअली ना कमलनाथ चला रहे थे सरकार, ना दिग्विजय सिंह सरकार चला रहे थे, सरकार चला रहे थे इस प्रदेश का माफिया, गुंडाराज, भ्रष्टाचारता की पराकाष्ठा में डूबे अधिकारी, ये सब पर्दे के पीछे से सरकार चला रहे थे। और सरकार जो है ना भ्रष्टाचार की आकंठ डूबी हुई सरकार थी, चाहे ट्रांसफर उद्योग से लेकर हर प्रकार के उद्योग थे। इसके कारण क्या हुआ, आपको इस बात से ध्यान आया होगा, उनके उस समय के वन मंत्री उमंग सिंगार कहा करते थे कि दिग्विजय सिंह जी जो है ना सब प्रकार के भ्रष्टाचार की जो कोई गंगोत्री है वो दिग्विजय सिंह जी, ऐसे मैं तो ही कह रहा हूँ कि उस समय के उमंग सिंगार वन मंत्री कहा करते थे। इसलिए मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में खलबली मचा दी थी, मध्य प्रदेश शांति का दावा ये करते हैं कि हमने तो माफिया खत्म किया और मिलावट के खिलाफ अभियान चलाया, ये किया, और सब बीजेपी की देन थी। एक्चुअली ये सब झूठे नारे थे उनके, सच्चाई में देखेंगे तो पूरे मध्य प्रदेश में, चाहे वो अधिकारी कर्मचारी के ऊपर अड़ी डालना हो, चाहे वो हमारे यहाँ के इंडस्ट्रिस्टों के ऊपर अड़ी डालना हो, कई उद्योगपति उस समय मध्य प्रदेश में काम धंधा बंद करके चले गए थे। चाहे माइनिंग के क्षेत्र में देखेंगे तो माइनिंग के क्षेत्र में भी बड़ा भ्रष्टाचार मचा के रखा था। इसलिए ये नारे अच्छे थे, लेकिन एक्चुअली जो है ना सबको एहसास है कि मध्य प्रदेश जो शांति का टापू था एकदम खलबली मचा के रख दी थी। खलबली की बात कर रहे हैं डॉक्टर अरविंद भदौरिया साहब, और अगर सरकार बहुत अच्छी चल रही होती कमलनाथ जी की, इससे तो मैं सहमत हूँ कि वो सरकार अभी भी चल रही होती अगर कुछ अच्छा होता तो, लेकिन उन्हीं की पार्टी दो फाड़ हो गई। और जब कांग्रेस टूटी, सिंधिया साहब अपने विधायक लेके, आपका बड़ा चर्चा हुई, आपका बड़ा नाम हुआ उस दौरान। हाँ, मैं था पूरे सिस्टम में, मेरे संबंध सबसे थे। तो ये कहा गया कि अरविंद भदौरिया जो हैं वो किडनैप करके ले गए सबको, बैंगलोर छुपा दिया और ये सब कर दिया आपके साथ। ये भी कांग्रेस के लोग कहा करते थे। एक्चुअली जो है ना ये सब बहुत परेशानी में थे वो सारे विधायक, मूल रूप से जो विधायक थे माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया महाराज साहब के साथ जो लोग थे, तो उनको एक नज़र से नहीं, उनको बड़ी नीचे की नज़र से देखा जाता था कि इनके काम नहीं करना, इनको परेशान करना, जो इनके नेगेटिव उनके विधायक मंत्री दोनों को, जो उनके नेगेटिव जो कर्मचारियों को बिठा देना, वो बेचारे असहाय थे। कोई भी एमएलए जो मिनिस्टर बनता है या विधायक बन के जब मिनिस्टर बनता है तो हर व्यक्ति अपनी जनता जनार्दन से कुछ वादे करके आता है, नारे देके आता है और उनसे कमिटमेंट करके आता है कि हम विकास के लिए आपके लिए दृढ़ संकल्पित होकर खड़े होंगे। एक काम फूटी कौड़ी का कमलनाथ जी ने, जो महाराज साहब के विधायक थे, जो उनके समर्थन से जीत के आए, तो उनके टच के लोग थे, कोई काम नहीं किया था। 3 दिन 4-4 दिन 8-8 दिन तक समय मांगते थे, समय नहीं दिया जाता था, अपमान की पराकाष्ठा हो गई। तो मैं फिर कहना चाहता हूँ, राजनीति में मान सम्मान स्वाभिमान से लोग आए थे माननीय महाराज साहब के साथ जो लोग थे, तो उनका जब घनघोर अपमान हुआ, वहीं तक नहीं हुआ, महाराज साहब का अपमान कर रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब का अपमान कर रहे हैं, तो अपमान का घूट कोई नहीं पीना चाहता। अपमान की पराकाष्ठा के कारण अपमान करने वाले कौन थे, दिग्विजय सिंह जी थे पर्दे के पीछे, और कमलनाथ जी उन सबको परेशान करते थे, मजाक उड़ाते थे, उनकी खिल्लियाँ उड़ाया करते थे, उनके बाकी साथी मंत्रीगण उड़ाए करते थे। मैं विधानसभा के प्लेटफॉर्म में देखता था। एक चीज और आई थी उस समय कि सिंधिया जी ने कहा था कि मुझे सड़क पर उतरना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि साहब आप काम नहीं करोगे, क्योंकि एक्चुअली जो है ना इलेक्शन कमेटी के जो चुनाव अभियान के नेता थे, जो प्रमुख थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब थे, उनका चेहरा दिखाया, बाद में कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बना दिया, तो बाधे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब करके आए थे। बाधे तो किसी और को दे दिया, बाधे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब करके आए थे ना भाई। बादों का कमिटमेंट तो उनका था ना, कमिटमेंट ग्वालियर चंबल संभाग से लेकर प्रदेश में उनका था। अगर उनके कमिटमेंट पूरे नहीं होंगे, विकास के सपनों के साथ लोग आते हैं, विकास नहीं होगा तो फिर उन पर विश्वास हटेगा। इसलिए मजाक उड़ा रहे, कह रहे कि उनका सड़कों पर जाएंगे, तो कमलनाथ जी अहंकार से दम्भ से भरे हुए थे। दिग्विजय सिंह जी कहते आप सड़कों पर उतर जाओ, तो सड़कों पर उतर जाओ। तो उन्होंने कहा, उनके एक मंत्री है, कि अगर सिंधिया जी के बारे में ऐसा बोलोगे तो काले बादल छा जाएंगे सरकार पर, तो उनको मजाक उड़ा रहे हैं। तो वास्तव में
अपमान पूर्वक से कर कोई भी, हम मैं भी आज अपमान के साथ राजनीति नहीं कर सकता हूँ। मान सम्मान स्वाभिमान जनता का होता है, उस जनता के मान सम्मान स्वाभिमान से हम लोग जीत के आते हैं। तो जनता का मान सम्मान नेता का नहीं होता है, नेता का अगर अपमान करेंगे तो 2 लाख वोटों की आवाज़ होता है वो जनता का अपमान होता है। इसलिए आपको ध्यान आया होगा कि सबने इस्तीफे दिए, ऑपरेशन लोटस नाम दिया गया था ये सबको, जब ये सारे लोग बीजेपी में आए तो बड़ा विषम था। बेंगलोर में आप साथ में थे, दिग्विजय सिंह जी पहुंच गए, एक यहाँ मंत्री हुआ करते थे जीतू पटवारी साहब, वो पहुंच गए और विवाद और फसाद की स्थितियाँ बन गई थी। बेंगलोर से पहले तो एक्चुअली यहाँ पे हुई, कहाँ गुड़गावा में आ गए जयवर्धन सिंह जी, जीतू पटवारी जी, दिग्विजय सिंह साहब, ये सब लोग दादागिरी करने लगे, गुंडागर्दी करने लगे, बिसाऊ जी के कमरे में घुस गए जाके। तो भैया दादागिरी नहीं चलती है, बिसाऊ लाल जी कितना सीनियर आदमी है, 7 बार के MLA है, कहाँ है जयवर्धन उनके आगे, कहाँ है जीतू पटवारी आगे 2-2 बार के MLA। तो रिस्पेक्ट तो रखना पड़ेगा ना भाई, चाहे वो हमारे ऐदल सिंह कसाना हो, 5 बार के विधायक हैं, ये सब बाहर खड़े कर दिए। इवन उनके सगे चाचा जयवर्धन सिंह, लक्ष्मण सिंह, वो भी 6 बार के MLA हैं, KP सिंह 7 बार के, 6-7 बार के विधायक हैं। ये सबका अपमान करके भाई तुम थोड़ी चल सकते हो। तो वहाँ पर आए, इन्होंने कहा नहीं मैं आपके साथ नहीं जाना चाहता हूँ, मैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ खड़ा हूँ, विकास के पुरुष है शिवराज सिंह चौहान, इसके लिए खड़ा हूँ। ऐसे बेंगलोर में भी सभा है, स्वयं दिग्विजय सिंह जी आए। अब क्या तर्क दे रहे हैं, तर्क दे रहे हैं कि मैं राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा हूँ इसलिए वोट मांगने आएंगे। तो राज्यसभा के चुनाव के लिए पढ़े लिखे दिग्विजय सिंह साहब इंजीनियर साहब, 10 साल मुख्यमंत्री रहे, उसमें व्हिप जारी होता है, उसमें वोट नहीं मांगे जाते हैं, वहाँ के हाई कोर्ट जारी कर देती है, स्वाभाविक है। वहाँ के हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया, चीफ जस्टिस ने कर्नाटक के लिखित में एक निर्णय किया कि इसमें आप वोट मांगने नहीं आ सकते हो। अब वहाँ पर गुंडागर्दी दादागिरी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो किसी भी जनप्रतिनिधि पे कोई गुंडागर्दी दादागिरी से नहीं आता है। हमारे संगठन में कहते हैं कि शुद्ध सात्विक प्रेम ही अपने काम का आधार है। तो मैं लगातार था 22 विधायकों के साथ, 22-24 दिन आनंद के साथ था, सानंद के साथ था, और बाद में उन सब ने सरकार बनाने के बाद जनता की अदालत में गए। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु उस पूरे मिशन का है, जनता की अदालत में गए, जनता की अदालत में चुनाव जीत के आए। कांग्रेस में जीते थे कौन, 11,000 वोटों से प्रभुराम चौधरी। पूरे हिंदुस्तान में 301 जगह चुनाव हुए, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा 65,000 मतों से जीत के आते प्रभुराम चौधरी। तुलसी सिलावट 3-5 हज़ार से जीते थे, अभी 43,000 से जीत के आते हैं। महेंद्र सिंह सोदिया 53,000 से जीत के आते हैं। तो ऐसे सब बम्पर मतों से जीत के आए। अच्छा, ये सब ये तो बहुत ठीक हो गया, जीत के आए, लोगों ने इन पर विश्वास जताया। फिर एक बात आरोप लगाया गया आप सबके ऊपर कि साहब 35-35 करोड़ में आपने विधायक खरीदे। इसलिए एक्चुअली राजनीति में ओरिजिनल लड़ाई कहाँ होती है, बूथों पे होती है, और जनता जनार्दन जो परीक्षा होती है, जनता जनार्दन मेरे हाथ में नहीं होता परिणाम, ये जनता जनार्दन एग्जामिनर होती है, ये जनता जनार्दन हमारा परिणाम घोषित करती है। तो इन्होंने इन सबको कैसे हार सके, तो झूठे आरोप लगाए, पैसे का आरोप लगाए, अन्य प्रकार के आरोप लगाए। तो जनता की अदालत में जब गए तो दोनों लोगों को ध्यान आ गया, तो बहुत बदमाश लोग हैं कांग्रेस के लोग, ये झूठे आरोप लगाते रहते हैं। तो हमने उत्तर नहीं दिया, जनता जनार्दन ने उत्तर दे दिया 65,000 से जिता के, इसलिए वो आरोप वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं अगर ऐसा करके आते हैं, क्योंकि पब्लिक ये सब जानती है। तो उनको मालूम है कि कांग्रेस के लोग अनर्गल झूठे आरोप लगा रहे हैं, जनता ने बड़े परीक्षा में पास कर दिया, और जनता की सेवा के लिए हम लोग दृढ़ संकल्पित होकर लगातार काम भी कर रहे हैं। डॉक्टर अरविंद भदौरिया मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री बहुत बेबाकी से जवाब दे रहे हैं और उन सारी बातों के खुलासे भी कर रहे हैं जिनको लेके कई बार कुहासे छाए रहते हैं और राजनीतिक मसले होते हैं तो लोग बोलने से बचते हैं। अरविंद भदौरिया साहब से बातचीत के इस दौर को जारी रखेंगे, फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। LNCT से आपका ब्राइट फ्यूचर बुला रहा है। फ्रॉम LNCT यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर फॉर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फार्मेसी मेडिकल एग्रीकल्चर साइंस पैरामेडिकल लॉ एंड मेनी मोर विजिट lnctu.ac.in। एपेक्स बैंक मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, समृद्धि आपकी, योजनाएं हमारी, वाहन ऋण, आवास ऋण, व्यक्तिगत ऋण, भ्रमण ऋण, उच्च शिक्षा ऋण, व्यापारियों को साख सीमा ऋण, त्योहार ऋण, चिकित्सा ऋण परियोजना, उपभोक्ता ऋण, आभूषणों के तारण पर ऋण, अचल संपत्ति के बंधक पर ऋण, क्यों देखें महज सपने, आइए करें उनको साकार। केंद्र, राज्य शासन, शासकीय निगम, मंडल बोर्ड, समस्त सहकारी बैंकों, संस्थानों एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों के लिए
उपरोक्त समस्त ऋण रियायती ब्याज दर मात्र 8% पर ऋण सुविधा उपलब्ध। वरिष्ठ नागरिकों को सावधि जमा पर 1% अधिक ब्याज सुविधा का लाभ लेने के लिए नजदीकी एपेक्स बैंक की शाखा में संपर्क करें। ब्रेक के बाद विभाग बात में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री डॉक्टर अरविंद भदौरिया जी हमारे साथ में। अरविंद जी, इस पूरे ऑपरेशन में जब ऑपरेशन लोटस हुआ, बीजेपी ने अप्रोच की थी कांग्रेस के लोगों से कि आप हमारे साथ आइए हम सरकार बनाएंगे, या ये खुद संपर्क में आए भाजपा के? एक्चुअली ये कांग्रेस के जो लगातार असम्मान अपमान के कारण कांग्रेस के खिलाफ विद्रोह था, तो अब इस सब में बेहतर कौन खड़े थे? तो भारतीय जनता पार्टी, हमारे नेता शिवराज सिंह चौहान साहब, हमारा कैडर, तो विकल्प सिर्फ एक था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर संगठन में काम करेंगे। माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के ना कोई शर्तें थी, ना कोई बातें थी। उन्होंने हमारे नेताओं से बात करके और हमारे नेताओं ने उनसे बात करके कि जनता का हित सबसे सर्वोपरि है, उस आधार पर ये निर्णय हुए हैं, वो निर्णय सबने स्वीकार किए हैं, तो हम लोग सब मिलके एक साथ एक दिशा में जनता के विकास के लिए, जनता के कल्याण के लिए लगातार प्रयासरत हैं। क्योंकि बहुत आसान नहीं होता कोई भी अपनी पार्टी को एकदम छोड़ दिया और दूसरी पार्टी में चला जाए, अपने जिन सिद्धांतों पर काम कर रहा होता है, तो इन लोगों के लिए भी बड़ा कठिन रहा होगा वो दौर। आप तो साथ में थे 20-22 दिन, तो चर्चाएं होती मैं था साथ में 20-22 दिन उनके साथ था, बहुत हैप्पी थे, बहुत आनंद में थे। वो कहते थे कि ऐसा लग रहा था कि जैसे हमको किसी चिड़ियाघर में बंद कर दिया हो, खुले हुए जंगल के शेर को, जिसको कहते हैं ना सिंह, जिसको बोलते हैं वो स्वयं वो राजा होता है, तो ऐसे करके पिंजड़े से निकल के, जिसको कहते हैं ना मैं बड़ी खुली हवा में सांस ले रहा हूँ और आप लोग बहुत आनंददायक लोग हैं, और लंबे समय से हम लोग एक दूसरे के विरोधी विचारधारा में थे, लेकिन मूल विचारधारा आपकी बहुत सहज सरल है, इसलिए बड़े आनंद की अनुभूति में हम लोग को उससे भी परेशान थे। वो एक बड़ा डायलॉग था, चलिए चलिए चलो चलो। हाँ, कई लोग कहते थे, कई विधायकों ने कहा, कई मंत्रियों ने मिलने जाते थे हमारे पदम तोमर साहब, मतलब चलिए चलिए चलो 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 चलो, तो पदम तोमर साहब कह रहे हैं, तो हमने भी उनसे कहा कि तुम चलो 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 चलो, तो जैसी कर दी वैसी भर दी। तो इसलिए सब बहुत अच्छे लोग हैं, मेरा अनुभव भी आया, मेरा अनुभव पहले नहीं था, जब मैं साथ में रहना हुआ, अभी भी लगातार हम लोग साथ में काम कर रहे हैं और मेरे सबसे मित्रतापूर्वक संबंध भी है। तो जो हम लोग बैठते हैं अभी, माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब भी मेरे घर पर भी आना हुआ था, सब मिनिस्टर भी थे, 15-16 मिनिस्टर थे, बड़े, मतलब मुझे कल्पना नहीं थी इतने इतने इजी और इतने मस्ती में, इतने आनंद में, सहजता, मुझे लगता हम बरसों साथ में काम करने वाले लोग हैं, एक ही विचार के लोग हैं, ऐसा मुझे एहसास होता है। तो ये तो बहुत सहज सरल लोग हैं, इनका धन्यवाद भी देता हूँ कि सहजता में हम सब संवाद करते हुए और एक भाव, एक दिशा में, एक सोच के साथ, सिर्फ जनता का कल्याण, भारतीय जनता पार्टी का जो विकास का एजेंडा शिवराज सिंह चौहान साहब के नेतृत्व में मुख्यमंत्री महोदय के में बेहतर काम करें, यही सबकी इच्छा। अच्छा, एक चर्चा और होती है, कांग्रेसी भी इस बात को बड़ा जोर देते हैं कई बार सिंधिया जी को लेके, कि उनका जो मूल है, उनका जो पिंड है, वो कांग्रेसी है और वो आगे पीछे कांग्रेस में आएंगे, और जितने मंत्री उनके साथ गए कि ये सिंधिया जी में इनकी आस्था, इनकी कोई भाजपा में आस्था नहीं है, इनका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, ये संस्कार के व्यक्ति नहीं है, ये सब सिंधिया जी के साथ वापस कभी ना कभी कांग्रेस में चले जाएंगे। देखिए साहब, स्वप्न देखना सबको आवश्यक है और देखते भी रहते हैं, कुछ लोग रात के स्वप्न देखते हैं, कई लोग दिन के देखते हैं, कई लोग आंखें खोल के देखते रहते हैं, तब खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, तो इस प्रकार के सब डायलॉगबाजी करते रहते हैं। अब ये मानसिक संतुलन खो बैठे हैं कांग्रेस के मित्रगण हमारे, तो मानसिक जब संतुलन खोता है तो इस प्रकार की बयानबाजी करते रहते हैं। मूल रूप से हमारा जो सिंधिया परिवार है, एक्चुअली पूज्य राजमाता जी जनसंघ के समय से, जनसंघ को समय नहीं, जनसंघ को गढ़ने वाले, जनसंघ को गढ़ने वाले, जनसंघ को बनाने वाले, से भाजपा 1980 में बनाने वाले, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी, पूज्य राजमाता जी हमारे, ये सब जो लोग थे ना, कुशा भाव जी, इन्होंने पूरी जिंदगी लगाई है उसमें, पूज्य राजमाता जी का जो स्थान है वो देवी स्वरूप का स्थान था, मतलब बड़ी श्रद्धा जिसको कहते हैं, भाव हमारे श्रद्धा का स्थान था, तो राजमाता साहब के कारण ही हम सब लोगों ने यहाँ तक यात्रा की है।
चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी, राजमाता जी हों, दीनदयाल जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हों, कुशाभाऊ ठाकरे जी हों, सुंदर सिंह भंडारी जी हों, एक जो लॉट था उस समय, तो उसमें राजमाता जी का बहुत प्रमुख स्थान था। तो मूल तो हमारे विचार के संबंध तो बहुत पहले से ही है। अब सिंधिया जी क्या कहते हैं, अब उनको कैसा लगता है बीजेपी में? सिंधिया जी को बहुत अच्छा लगता है, सिंधिया जी बहुत जितना केयर करते हैं। अभी इतना प्रवास किया सिंधिया जी ने, मैं देखा कि हमारे भिंड में चले गए, ऐसे ऐसे मतलब जगह बैठते चले गए हैं जो इनके कोई गमी हो गई है, कोई मृत्यु हो गई है उन भाजपा के कार्यकर्ताओं के परिवारों के साथ। तो बड़े नीचे तक सिंधिया जी के प्रवास चल रहे हैं। अभी जन आशीर्वाद यात्राएं भी निकल रही हैं। कांग्रेस के लोगों ने बड़ी टिप्पणी की इस दौरान, क्या हमारे यहाँ तो बड़े महाराज थे, अब वहाँ जाके भाई साहब बन गए? हमारे यहाँ पे भी सिंधिया जी खुद ही कहते हैं महाराज, यहाँ तो जनता के बीच के रहने वाले आदमी हैं। सिंधिया जी बहुत सरल सहज स्वभाव के व्यक्ति हैं। मैं भी जब पास आया तो मुझे एहसास हुआ, अब मेरे यहाँ पे 3 घंटे 3.5 घंटे खूब अच्छे ढंग से गपशप, परिवार में गपशप, जितने लोग थे उन सबसे मिलना व्यक्तिगत रूप से। इसलिए सिंधिया जी बहुत सहज सरल व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं। आपको लगता है बीजेपी में लंबे चलेंगे, जम के काम करेंगे? बीजेपी ही है सिंधिया जी, हम जैसे बीजेपी है, मनीष विराज जी हैं, सब लोग मिलकर बीजेपी एक टीम वर्किंग में काम करती है। और सिंधिया जी संस्कारों से भी विचारों से भी ये बीजेपी की ही आत्मा उनमें दिखाई देती है। भारतीय जनता पार्टी के साथ लंबे समय नहीं, परमानेंट हम लोग साथ में काम करेंगे उनके नेतृत्व में। एक अरविंद जी, दिग्विजय सिंह जी के बारे में आपकी क्या राय है, क्योंकि कई बार आप ट्वीट भी करते हैं, आपके बयान भी आते हैं, और ऐसा लगता है कि अगर वो कोई लूज बॉल डालते हैं तो उस पर जो छक्का है वो अरविंद भदौरिया को ही मारना है। दिग्विजय सिंह जी एक्चुअली क्या, 10 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। अब मुख्यमंत्री रहने के बाद जनता जनार्दन को उस समय कांग्रेस पर कृपा थी, कांग्रेस के चाणक्य कहे जाते होंगे। अब क्या हुआ कि सम स्थिति राजनीति में किसी की भी नहीं रहती है, एक प्रकृति का सिद्धांत है। बचपन होता है, जन्म लेता, शैशवावस्था होती है, चरमोत्कर्ष होता है, जवानी आती है और वृद्धाश्रम पे, एक प्रकृति का सिद्धांत है। लेकिन दिग्विजय सिंह जी क्या हुए, बड़े मस्करे टाइप के, बड़े हल्के प्रकार के, हर प्रकार के डायलॉगबाजी करते रहते हैं। क्यों करते रहते हैं? तो मैं दिग्विजय सिंह की साइकोलॉजी को कई बार देखता रहता हूँ, क्योंकि मीडिया के माध्यम से अपने स्थान को बरकरार रखते हुए इस प्रकार के कमेंट्स करते रहते हैं, जो कि पार्टी का विरोध करते करते, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते भारत का विरोध करने लगते हैं। ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उस समय चुनाव चल रहा था, चुनाव आने वाला था, तो मुस्लिम तुष्टिकरण के वोट कैसे मिल जाएं। तो इस प्रकार के घृणित बयान भी दिग्विजय सिंह जी लगातार, जो कि कई बार राष्ट्र विघातक हो जाते हैं, बटाला कांड से लेकर कई जगह। अभी उज्जैन वाला मैंने देखा कि उज्जैन में शायद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, वो कह रहे थे कि वो काजी साहब जिंदाबाद के नारे। यही तो मीडिया में बरकरार रखना, और राष्ट्र विघातक जो शक्तियाँ हैं, क्योंकि राष्ट्र को कमजोर करने वाली शक्तियाँ हैं, उनके सपोर्टिव बयान देते रहते हैं। ये उनके स्वभाव में आ गया, मस्करापन स्वभाव में आ गया, और थोड़ा दम्भ है, अहंकार है, राजे महाराज सामंत शाही में, उनको लगता सब उनकी सामंती में ही चलते रहेंगे, इसलिए कुचलना चाहते थे जब कमलनाथ जी की सरकार थी। हमारे लोगों पर झूठे केस लगवाना चाहते थे कमलनाथ जी और कांग्रेस की सरकार, उस समय दिग्विजय सिंह जी ने मेरे खुद के परिवार पर, हमारे सगे बड़े भाई को पुलिस उठा के ले जा रही है, भाई ये सामंत शाही राजाशाही चली गई आपकी दिग्विजय सिंह जी, उस सोच को बदलिए, हम लोग कोई टूटने झुकने वाले नहीं हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, स्वयं सेवक हूँ। इसलिए हमने, हमारे पुरखों यानी हमारे आगे की पीढ़ी ने जो नेतृत्व करते आए हुए, इमरजेंसी में 2-2 साल बंद रह के आए हैं, तो इसलिए दिग्विजय सिंह के बारे में मेरा क्लियर मत है, दिग्विजय सिंह को कोई गंभीरता से लेता भी नहीं है, तो एक मस्करे और मजाक के पात्र दिग्विजय सिंह जी। कई बार युवाओं के, कभी वो देखिए फेसबुक पर कभी जाइए, जो यूथ है, या उनके ट्विटर पर जाइए, या कभी तो दिग्विजय सिंह अगर पढ़ लेंगे तो मतलब शर्मंदगी से मुझे लगता है कि ये होंगे, पढ़ते भी होंगे तो शर्मिंदगी कितनी आती है मुझे मालूम नहीं। तो दिग्विजय सिंह जी को कोई लाइट मोड में राजनीति में बेशर्मी भी आ जाती है थोड़ी सी। अब मैं अपने शब्दों से नहीं कहना चाहता हूँ, तो मुझे लगता है शर्मी आना चाहिए दिग्विजय सिंह जी साहब, आप क्या बोलते रहते हैं, किस प्रकार की भाषा बोलते हैं। सत्यता के निकट राजनीति करना चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। जब भी राष्ट्र के विषय में कोई बातचीत आए तो राष्ट्र के विषय में प्रखर राष्ट्रवाद के साथ खड़े होकर बातचीत करना चाहिए। सरकारें तो आती जाती रहती हैं, राष्ट्र चिरंतन पुरातन सनातन है, तो इसलिए मैं दिग्विजय सिंह जी से कहना चाहता हूँ कि राष्ट्र के विषय में कोई विषय आता है तो हिंदुस्तान के जनता के साथ, जनमानस के साथ खड़े रहिए। कोई भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, देश सबसे पहले होना चाहिए, अगर देश पहले नहीं है तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता। दूसरे किरदार है मध्य प्रदेश में बड़े कमलनाथ जी, उनको लगता है कि बस अब जब चुनाव होगा 2 साल बाद 2.5 साल बाद तो आपकी सरकार चली जाएगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी, वे फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। एक्चुअली वो चिपक चली गई है,
जैसे होता है ना, BSNL की चिप डाल दो, आइडिया डाल दो, एयरटेल डाल दो, ये डाल दो, वो डाल दो, चिप चली गई है। तो वो एक CM की चिप दिमाग में चली गई है। उन्होंने जो है ना 15 महीने रहे, तो उनको क्या लगता है वो एक्चुअली उस फोबिया से निकलने नहीं चाहते हैं। ये जनता जनार्दन ने आपको रिजेक्ट किया है, मैं विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ। 28 चुनाव में 19 चुनाव भारतीय जनता पार्टी को जिताया है, बड़े मतों से जिताया है। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब की जनहितैषी नीतियों का, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का अथक प्रयास और जनता जनार्दन की कृपा से भारतीय जनता पार्टी आगे भी सरकार बनाएगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का दृढ़ संकल्प है, एक ही उद्देश्य है कि जनता समाज की कैसे सेवा हो सकती है। इसलिए कमलनाथ जी हल्के बयान देते हैं, अभी 4-5 दिन पहले बयान दे दिया, कर्मचारियों अधिकारियों संभल जाओ, 2 साल बाद आएंगे तो मैं ये कर दूंगा। अरे भाई, 1.5 साल में आपका 1.25 साल सरकार देख ली ना अधिकारी कर्मचारियों ने, दलाली भ्रष्टाचार का, ट्रांसफर उद्योग के धंधे कण परेशान थे सब लोग। जिस प्रकार के कांग्रेस के गुंडे जो एंटी सोशल एलिमेंट्स थे वो चढ़ रहे थे, दादागिरी कर रहे थे, गुंडागर्दी कर रहे थे अधिकारियों पर, तो अधिकारियों से धमकने वाले नहीं हैं वो, सब आपको जानते हैं, ये सब देख चुके हैं। इसलिए इनको डराने की कोशिश मत करिए, डरने वाले भी नहीं हैं। इसलिए कमलनाथ जी को इस प्रकार के ख्वाब सपने आते रहते हैं, तो लेकिन जनता जनार्दन की कृपा बनी रहे, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब की अच्छी नीतियों के कारण हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कैडर के प्रयास से एक बीच में जीत गया। इसी बीच में एक चर्चा और चल जाती है कि बस शिवराज जी, जैसे सिंधिया जी आपके घर आए, तमाम जगह मिलने गए, या बीच में कैलाश जी आए, तो वो एक राजनीति का जो प्याला होता है उसमें एकदम तूफान आ जाता है कि बस शिवराज जी को हटाया जा रहा है, शिवराज जी को लंबा समय हो गया, अब ये जा रहे हैं, अब या तो नरोत्तम मिश्रा जी मुख्यमंत्री बनेंगे, या कैलाश जी बनेंगे, या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बनेंगे। ये क्या चलता है बीजेपी में? एक्चुअली बीजेपी में नहीं चलता है, बीजेपी में होता भी नहीं है। अब माननीय सिंधिया जी मेरे यहाँ आने से लेकर सभी का जाना, स्वाभाविक रूप से हमको बहुत आनंद आता है, उनको भी आनंद आता है। तो ये जनसंपर्क की परंपरा है। कैलाश जी अभी 2 बार आए मेरे यहाँ पे, दरोत्तम जी के यहाँ मैं चला जाता, दरोत्तम जी हमारे आते हैं, माननीय CM साहब भी हम लोग सब मिलते रहते, वो भी आ जाते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का मूल पिंड है कि अपने कार्यकर्ताओं से मिलना, जनता से मिलना, जनसंपर्क की परंपरा, एक दूसरे के सुख दुख में बैठना, एक दूसरे से संवाद रखना, सहजता में कुछ कई चीज़ें सीखना एक दूसरे से, बड़े हैं नेता हैं तो उनसे कई चीज़ें सीखना, ये भारतीय जनता पार्टी में परंपरा है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी में सब नहीं चलता है, ये मीडिया में चलता है। तो मैं मीडिया के परसेप्शन से सरकारें नहीं बदलती हैं, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में काम करती है, चाहे वो नीचे के बूथ से लेके और हमारे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट तक के सबके चुनाव की पद्धति चुनाव होता है। हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है हिंदुस्तान का, उसमें चर्चाएं होती हैं, डिस्कशन होता है, निर्णय प्रक्रिया वहाँ तक पहुँचती है, स्टेट के हमारी इलेक्शन कमेटी से लेके पार्लियामेंट बोर्ड से लेके वहाँ तक एक पद्धति है। तो पवित्र कार्य पद्धति के आधार पर भारतीय जनता पार्टी में निर्णय होते हैं। इसलिए मीडिया परसेप्शन या 2-4 नेताओं को कहने से ये सरकारें नहीं बदलती हैं, नेता नहीं बदलते हैं। हमारी एक कार्य पद्धति है, सुव्यवस्थित कार्य पद्धति है, संवाद की कार्य पद्धति है, संवाद की कार्य पद्धति है, इन सब कार्य पद्धति के द्वारा ही निर्णय प्रक्रियाएं होती हैं। इसलिए ये न कोई प्रश्न है न कोई विषय है। हमारे देश के नेता माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री जी, हमारे मध्य प्रदेश के नेता जनता के, जिसको कहते हैं जनता से संवाद करने वाले और जनता के सुख दुख में साथ खड़े होने वाले, माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब हमारे मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी में सब ठीक है, उपचुनाव होते हैं, दमों में अचानक हार जाते हैं जहां उम्मीद नहीं होती, ये सब क्या होता है, जनता की अदालत में जाते हैं। क्या होता है, कई बार 2-3 प्रकार के विषय रहते हैं। कई बार जैसे मैं हूँ, मैं एक चुनाव 600 वोट से हार गया, उसके समीकरण कई थे, तो कार्यकर्ताओं की एंटी इनकम्बेंसी कई बार होती है, कई बार चुनाव लड़ने वालों की एंटी इनकम्बेंसी होती है, कई बार अनंत प्रकार के सब रहते हैं। लेकिन हम 19 चुनाव जीते भी हैं, तो इसलिए परसेंटेज वाइज देखेंगे तो हम 80% जगह चुनाव जीत के ही आए हैं, उनकी सीटों पे जीत के आए हैं, उनके वो कैंडिडेट की जीत के आए हैं, और जहाँ ये लोग जीते वहाँ मेरे कैंडिडेट लिए हैं, चाहे वो सतीश जीता हो भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट, चाहे वो अजब सिंह कुशवाहा जीते हो वहाँ से, ये हमारी विचारधारा के हमारे लोग कैंडिडेट उन्हें लेके आए, इसलिए उसका सम्मान भी करते हैं। हो सकता गलतियाँ हमसे कहीं हुई होंगी, चूके हुई होंगी उस सीट पर, तो आगे हम लोग तैयारी भी करेंगे फिर चुनाव जीत के आएंगे। फिर 4 चुनाव आपके सामने खड़े हुए, 1 लोकसभा का 3 विधानसभा के। हाँ, अभी हमारे पास 3 विधानसभाओं के हैं, निवाड़ी एक है, दूसरा एक सतना जिले का है,
रहगांव वाला, और तीसरा चुनाव हमारा ये जोबट वाला है, और एक लोकसभा है खंडवा माननीय नंदू भैया जी वाली। तो उसके लिए संगठन लगातार प्रयास करता है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी, महामंत्री संगठन सुभाष भगत जी, और हमारी जो टीम है वो सब लगातार प्रयास कर रही है। मैं भी एक चुनाव में दिया मुझे जिम्मेवारी, हम भी वहाँ कोशिश कर रहे हैं, निबाड़ी में भी हम लोग होके भी आए हैं, और जनता के कृपा से, संगठन के प्रयास से, नेता की नीतियों से, शिवराज जी चौहान जी के जनहितैषी कार्यों से हम लोग जीत के आएंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास आशा के साथ हम कह रहे हैं। अब आप मंत्री हैं, प्रदेश में काम कर रहे हैं, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से लोगों को बड़ी उम्मीदें रहती हैं, बहुत छोटे छोटे से काम होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, कोई सोसाइटी है, किसी का कुछ है, और लोग कहना चाहिए प्रताड़नाओं के शिकार भी हुए हैं। अब आप जैसा व्यक्ति मंत्री होता है तो लोगों को उम्मीदें भी कुछ ज़्यादा हो जाती हैं। बहुत अच्छा प्रश्न किया है अनुराग जी। एक्चुअली हम पे मंत्रालय आया है तो सहकारिता इस हिंदुस्तान की चित्ती और आत्मा में भी है। अब तो केंद्र सरकार ने भी विभाग बना दिया, और आज़ादी के बाद पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने एक सहकारिता विभाग बनाया, सहकारिता विभाग के भी जो मंत्री बनाए माननीय अमित शाह जी, जो गृह मंत्री भी हैं, उनको जिम्मेवारी दी है। तो जो आपने कहा है कि इसके लिए हमने सहकारिता जो है ना, एक्चुअली किसानों के हितों के लिए लगातार काम करने वाला विभाग है। 0% ब्याज पूरे देश में हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब दे रहे हैं, मेरे विभाग कई उपरा काम करते हैं, चाहे उपार्जन का काम हो, पूरे हिंदुस्तान भर में सबसे ज़्यादा उपार्जन करने वाले कोई स्टेट है तो मध्य प्रदेश है। 1,29,00,000 मैट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया पूरे हिंदुस्तान भर में, पंजाब को भी छोड़ दिया पिछले बार भी इस बार भी। तो इस प्रकार के कई काम सहकारिता के माध्यम से बहुत अभी हमने किए हैं। अभी बेरोजगार का विषय आ गया तो अस्थायी रूप से उपार्जन में हमने 1,00,000 लोगों को रोजगार दिया कोरोना के घनघोर संकटों में भी। इसलिए अभी हमने सबसे पहले आपने जो विषय कहा, जो लीकेज जहाँ जहाँ थे उन लीकेज को पूरा ब्लॉक किया है, वो लीकेज को एक सिस्टम के द्वारा रोका है। वो इंदौर में हमारी हाउसिंग सोसाइटी में कुछ गड़बड़ियाँ थी तो वहाँ भी बड़े बड़े लोग जो कभी कल्पना ही नहीं कर सकते उन पर FIR करके जेल भी भेजा है, और जो भी विधि सम्मत होगा, जिनका भी न्याय हो नहीं मिला हुआ, उन सबको न्याय दिलाने की जिम्मेवारी मैं सहकारिता मंत्री के नाते अरविंद भदौरिया के, ऐसे इंदौर में कई लोग को प्लॉट, भोपाल में भी हम लोग दे रहे हैं। भोपाल में भी मैं कलेक्टर को बातचीत की थी, माननीय CM साहब का जब भी समय मिलेगा यहाँ पे भी 1,500 प्लॉट जो है ना वो सब लोगों को दे देंगे। इसके साथ साथ हमने पहली बार जो आपने कहा है, जैसे ही डिपार्टमेंट बना तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मुझे बुला के कहा कि इस पर कुछ नए विचार करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो नीति आयोग के माध्यम से और हमारा अटल बिहारी सुशासन संस्थान, जिसका मैं मिनिस्टर भी हूँ, उस संस्थान का मैं वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ, तो उनके माध्यम से हिंदुस्तान के लगभग 50 लोग जो कि सहकारिता के बारे में टॉप लोग हैं, उसमें अमूल्य का जो गुजरात के, उसके CMD भी मिस्टर सोडी साहब थे, ऐसे हिंदुस्तान के टॉप लोग थे। तो एक 4 घंटे की, जिसमें चीफ सेक्रेटरी थे, 10-12 विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, माननीय मुख्यमंत्री महोदय पूरे समय रहे, 3-3.5 घंटे 4 घंटे। तो सहकारिता के नए आयाम क्या क्या हो सकते हैं, मल्टी डायमेंशंस क्या क्या हो सकते हैं, तो उसमें कई प्रकार के विषय हम लोग आगे बढ़े हैं। जैसे श्रम में सहकारिता, अभी क्या होता है लोग मजदूरी, यहाँ पे आप देखते हो कई जगह लेबर खड़ी रहती है, काम मिलता कई बार नहीं मिलता, वो चले जाते हैं। तो ऐसे श्रम में सहकारिता, कुछ 5-7-8-10 लाख के टेंडर विदाउट टेंडर किए श्रम सोसाइटियाँ बना के उनको दे सकते हैं, उससे लाभांश ज़्यादा जा सकता है। माइनिंग में सहकारिता, अभी बाहर के लोग आते हैं, साउथ के आए बैठे कर लिए, बड़ी कंपनी आते हैं ले जाते हैं, यहाँ चाय पीते अकेले, बाकी सब खर्चे इन्वेस्टमेंट वहाँ करते जाके। तो 30% मैंने CM साहब को निवेदन किया माइनिंग में सहकारिता देते हो, यूथ सोसाइटी बना के उनमें लाभांश की पूंजी ज़्यादातर घरों में चले जाए, ऐसे हमारे बेरोजगारों को काम मिले। ऐसे 89 हमारे ट्राइबल ब्लॉक्स हैं, आदिवासी ब्लॉक्स हैं, उनमें भी जो है ना वहाँ जो माइनिंग होती है तो ट्राइबल्स लोगों को काम मिले, उसमें हमारी वनोपज संघ का चलता महुआ बीने से लेकर जो वनोपज होती है उसमें हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे वहाँ पे कई प्रकार के अन्य जो, जैसे हमारा ये जो होता है एक्साइज का काम, जो शराब का ये सब का भी, तो उन लोगों को उनका द्वारा सोसाइटियों द्वारा काम मिल जाए जिससे लाभांश उनमें ज़्यादा चला जाए। ऐसे टूरिज्म में सहकारिता, रूरल विलेज टूरिज्म में कई लोग जा रहे हैं तो उसमें सहकारिता विभाग को काम करते हुए आगे बढ़ेंगे। ऐसे करीब 42 प्रकार के आयामों के बारे में 4 घंटे में चिंतन मंथन बन के एक अच्छा ब्लूप्रिंट बना के हम लोग सहकारिता को बहुत अलग अलग दिशाओं में ले जाके हम लोग प्रयास कर रहे हैं उसको अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। आपका दूसरा विभाग भी बहुत आम लोगों से जुड़ा हुआ है, लोक सेवा प्रबंधन,
पहले इस तरह के विभाग नहीं होते थे, लेकिन अब इनकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा परिलक्षित होने लगी है। एक्चुअली ये मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, आभार देता हूँ। एक्चुअली जो है ना, सच्चाई तो यह है कि मध्य प्रदेश में ही लोक सेवा प्रबंधन विभाग पहले खोला गया, सबसे पहले खोला गया। और जब ये खोला गया तो इसके मतलब लोगों ने प्रेरणा लेके, इसको समझ के, देख के, पूरे देश भर में जो अनंत पार्टी, अलग अलग पार्टियों की सरकार थी, उन सब ने शुरुआत किया है। इसका पुरस्कार भी माननीय सीएम साहब को मिला है। ये विभाग इसलिए बहुत आवश्यक था क्योंकि हमारे यहाँ व्यवस्था के नाम पे जो अव्यवस्था बनी हुई थी, आदमी का राइट क्या है, उसको कौन सा कागज का मिल जाना चाहिए, कुछ तय नहीं था। बहुत अच्छी बात की अनुराग जी, बहुत अच्छी बात की अनुराग जी, ट्रांसपेरेंट व्यवस्था खड़ी हो जाए, इसके लिए इस विभाग ने बहुत काम किया। 7 करोड़ आवेदन आए होंगे जो शिकायतों के, तो सब पूरे समाधान कर दिए अभी तक जब से ये विभाग खुला हुआ है। अभी तो हमने क्या किया कि और ज़्यादा जो है ना सुशासन की व्यवस्था ट्रांसपेरेंट और कर सकते हैं। अब आय प्रमाण पत्र किसी को चाहिए, जाति प्रमाण पत्र चाहिए, मूल निवासी प्रमाण पत्र चाहिए, ये सब चाहिए, हम व्हाट्सअप पर ही दे सकते हैं। अभी क्या हमारे, जैसे मैं चंबल में देखता हूँ तो बहुत से लोग भर्तियों के लिए जाना चाहते हैं, मिलिट्री में, पैरा मिलिट्री फोर्सेस में जाते हैं, अब उनको बेचारे 15-20 चक्कर लगाना पड़ते हैं, पटवारी के चक्कर लगा रहे, नायब तहसीलदार, TI के यहाँ खड़े, ये खड़े, वो खड़े। अभी हम लोगों ने माननीय सीएम साहब के निर्देशन में तुरंत आप एक लिंक भेजेंगे, हम उस लिंक पे अपना पूरा डिटेल भरिए, हम आपको एक घंटे में बना के दे देंगे, व्हाट्सएप पर भेज देंगे सर, व्हाट्सएप पर भेज देंगे। ऐसे कई प्रमाण पत्र हम व्हाट्सएप पर भेज रहे हैं, तुरंत आपको एक आधे घंटे में हम वापस करके भेज देंगे, क्योंकि व्यवस्थित ट्रांसपेरेंट सरकार चले इसके लिए कई प्रकार के लगभग 575 योजना मध्य प्रदेश सरकार की। अभी हमारे अटल बिहारी जो हमको ये शोध संस्थान है और हमारा जो विभाग है उसके माध्यम से, लोक सेवा प्रबंधन विभाग के माध्यम से अपने सिस्टम में ले लिए हैं, उनको तत्काल रूप से ऑनलाइन भी हम लोगों को मदद, जैसे हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी गठन के लिए 2-2 महीने परेशान लोग होते थे, हमको जैसे ही मैं मंत्री बना तो मुझे ध्यान आया कि साहब एक लोग आए सज्जन मेरे पास, मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन करना चाहता हूँ, मैं कहते बोले 6 महीने हो गए, 8 महीने हुए ही नहीं। तो मेरे दिमाग में आया क्यों नहीं हुआ, तो मालूम ध्यान आया कई प्रकार की गड़बड़ियाँ थी, लोगों का मन अच्छे नहीं होंगे, कुछ जुगाड़ तुगाड़ करना चाहते होंगे, तो मैंने ऑनलाइन प्रक्रिया कर दी। आज आपको बनवाना है कोई सोसाइटी बनाना है, आप अपने यहाँ पर लैपटॉप पर बैठिए, हमको भेजिए, मैं आपको 10 दिन में बना के पूरी उसकी जाँच वाँच करके 5 दिन में आपको बना के भेज दूँगा। तो कैसे अधिकतम उपलब्धता हमारे सरकार के जिसको कहते हैं कि नीतियों की आसानी से मिल जाए, इसके लिए हमारा ये लोक सेवा प्रबंधन विभाग लगातार काम कर रहा है। मुझे लगता है हिंदुस्तान भर में सबसे अच्छा काम कर रहा है, चाहे CM ऑनलाइन हो, चाहे CM हेल्प डेस्क हो, ऐसे कई कई चीज़ों में हम लोग आगे बढ़े हैं। आप लगातार डॉक्टर अरविंद भदौरिया जी को सुन रहे थे, वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी राजनीति, कांग्रेस से BJP में आए नेताओं के बारे में, और खास करके सहकारिता और लोक सेवा प्रबंधन किस तरह जनता के लिए ज़्यादा उपयोगी हो सकते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, उन्होंने अपना विजन आप सबके सामने रखा। अरविंद जी आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत आभार, और थैंक यू आपको अनुराग जी, और आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, देखते रहिए दखल न्यूज़, नमस्कार। एपेक्स बैंक मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, समृद्धि आपकी, योजनाएं हमारी, वाहन ऋण, आवास ऋण, व्यक्तिगत ऋण, भ्रमण ऋण, उच्च शिक्षा ऋण, व्यापारियों को साख सीमा ऋण, त्योहार ऋण, चिकित्सा ऋण, परियोजना उपभोक्ता ऋण, आभूषणों के तारण पर ऋण, अचल संपत्ति के बंधक पर ऋण, क्यों देखें महज सपने, आइए करें उनको साकार। केंद्र, राज्य शासन, शासकीय निगम, मंडल बोर्ड, समस्त सहकारी बैंकों, संस्थानों एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों के लिए उपरोक्त समस्त ऋण रियायती ब्याज दर मात्र 8% पर ऋण सुविधा उपलब्ध। वरिष्ठ नागरिकों को सावधि जमा पर 1% अधिक ब्याज सुविधा का लाभ लेने के लिए नजदीकी एपेक्स बैंक की शाखा में संपर्क करें। LNCT से आपका ब्राइट फ्यूचर बुला रहा है। फ्रॉम LNCT यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर फॉर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, एग्रीकल्चर साइंस, पैरामेडिकल, लॉ एंड मेनी मोर, विजिट LNCTU.ac.in। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज़ आपके हक।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।